तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर नजर आ रहा है। अनियंत्रित होकर पेड़ से बाइक टकरा गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वारी गांव के पास से हादसा हुआ, दमोह के देहात थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि स्पीड की वजह से, गाड़ी की स्पीड को लेकर कितने हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। तेज रफ्तार का कहर लगातार सामने आते रहते हैं। इस बार ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जाकर टकरा गई और एक बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर ये बाइक जो है वो पेड़ से टकराई बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कैसे ये पूरा हादसा हुआ विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो पूरी घटना है वो दमोह के देहात थाना क्षेत्र की घटना है। ग्वारी रोड पर जो है देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। उसमें जो है तीन युवक बैठे हुए थे और वो तीनों बाइक सवार युवक जो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना की 100 डायल टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से इलाज के दौरान दो युवकों के द्वारा देर रात में ही दम तोड़ दिया गया था। बाकी एक युवक की जो है हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। बताना चाहेंगे कि हादसों का घटनाक्रम जो है दमोह में लगातार ही जारी है और कहीं ना कहीं जो है इसकी तेज रफ्तार घटना का कारण होना बताया जा रहा है। हालांकि मामले में पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ज्यादातर हादसे तेज रफ्तार की वजह से ही होते हैं, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।